प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी सिपेट रो उद्घाटन करिसेंती। या सहित से राजस्थान रे चारिटी मेडिकल कॉलेज रो शिलान्यास मध्ये करिसेंती। कार्यक्रम को संबोधित करी मोदी कहिसेंती जे भारत कोविड परिस्थिति रे आत्मनिर्भर हेबाको संकल्प करछि। राजस्थान ने चारिटी मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्यक्रम और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी रो उद्घाटन ए दिग प्रति एक महत्वपूर्ण पदक्षेप। चार नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ और जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मोदी कहते 2014 मसीहा पर राजस्थान में 23 टी नुआ मेडिकल कॉलेज पर केंद्र सरकार स्वीकृति देते एथिरु 7 टी मेडिकल कॉलेज आरंभ हो सारी। आज बांसवाड़ा सिरोही हनुमानगढ़ और दौसा नुआ मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य आरंभ हो राज्य सरकार को सहयोग रे ए नुआ मेडिकल कॉलेज ठीक समय रे पूरा हेबो बोली से आशा करछन्ति बोली कहछन्ति। देशर स्वास्थ्य क्षेत्र में जो अभाव अनुभूत हो गत 6-7 वर्ष भीतर से सबको दूर करने को लगातार चेष्टा जारी रही। देश के हेल्थ सेक्टर की जो कमियां मुझे अनुभव होती थी बीते 6-7 सालों से उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की जा रही है और हम सबको मालूम है हमारा संविधान के तहत जो फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है उसमें हेल्थ ये राज्य का विषय है, राज्य की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं राज्य का मुख्यमंत्री रहा लंबे समय तक, तो क्या कठिनाइयां हैं वो मुझे मालूम थी। तो मैंने भारत सरकार में आकर के भले दायित्व राज्य का हो तो भी उसमें बहुत सारे काम करने चाहिए भारत सरकार ने और उस दिशा में हमने प्रयास शुरू किया। यह सहित प्रधानमंत्री कहते विगत 6-7 वर्ष में 170 रु अधिक नुआ मेडिकल प्रस्तुत हो 2014 में मेडिकल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में प्राय 82,000 सीट थी किंतु वर्तमान यह सीट संख्या बढ़ी 1,40,000 जाए पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।